हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4 एंड रात भर नींद भी नहीं आई, तो अब निकलेंगे हम सोन प्रयाग की तरफ, जो कि यहाँ से है 3-4 घंटे का रास्ता। एंड चलिए चलते हैं। मैं जिस होटल में रुका हुआ था आपको वहाँ का व्यू दिखाना था, लेकिन अभी रात हुई हुई है, दिखा नहीं सकता। एंड जो जैसे ही रास्ते में दिन होगा तो आपको सारा व्यू दिखाऊंगा। तो आइए चलिए मेरे साथ, आपको पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसा कैसा व्यू है। व्यू तो एक नंबर है ब्रो, मतलब ये हो गया अमरनाथ हो गया, यहाँ के व्यूज़ तो एक नंबर है यार। व्यूज़ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पहाड़ बोल देते हैं, व्यूज़ बोल देते हैं। यूट्यूबर हूँ ना अब, तो व्यूज़ आ गया मुंह में। तो यार सी यू गाइस, चलिए अब चलते हैं। वाले हैं सोन प्रयाग, वहाँ से 5 किलोमीटर आगे कार लेके जाती है हमें। एंड फिर आज ही शुरू होगी जर्नी। चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग मल्ली साहब, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तैयारी है हुन रे, यात्रा ली तैयारी है, तैयारी खेचोगी कि नहीं? पूरी पूरी तरह पूरी। चाय मिल गई सी टाइम पे, चाय मिल गई, पिन्नी मिल गई सी टाइम पे, मिल गई सी। गोड्डे ते जड़ी सट लगी ओ ठीक है की है हुन? फर्क वा। गाइज, हमने पार्किंग कर दी है यहाँ पे, पार्किंग का बहुत चक्कर पड़ा हुआ है। एंड ये देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे रश है। और ये बंदे ना, यहाँ पे बंदे को बाहर से आते हैं और ये समझते हैं कि हर एक बंदा हल्के में ही है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे थे कि नुकसान कर देंगे कार का, ये कर देंगे। हमने भी बोला भी नुकसान आप कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, आके देख लेंगे, पहले दर्शन कराएं, मारपीट तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। यात्रा होने लगी है शुरू अब, बाकी मिलते हैं, आओ ताड़ी फोटो खिंचा। सो गाइस, अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई है, अभी यात्रा शुरू होने से जो 5 किलोमीटर पहले है वो चलना पड़ता है, फिर 5 किलोमीटर आगे
कार की पार्किंग होती है वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, फिर जाके कहीं यात्रा शुरू होगी। और रश भी आपको दिखाता हूँ आगे, लाइन तो यहाँ से ही मेरे को दिख रही है। बाकी चलिए, सिर्फ इंक्लाइन वॉक है, कोई प्लेन नहीं, लेकिन करना है चाहे कुछ हो जाए। बल्ली साहब कितने रह गए सी? क्यों यार मैं इन्नी हौली हौली तो रहा ना, फिर भी सारे तो अड़ी मैं भी बहुत हौली 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 कर दिया की महसूस भी नहीं होया, महसूस भी नहीं हो रहा, लेकिन वेट जड़ी करनी पड़ी है ना, या तो बंदा वेट करके सो जाए वो भी नहीं हो रहा, बंदा सामने वाला डीकना पैंदा। तो गाइस अभी आधे में भी नहीं आए हैं, 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर आए सारे नहीं, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर आ गए, 6 किलोमीटर आ गए। सो गाइस स्नोफॉल शुरू हो गए।
ਕਿਹੜਾ ਆਹੋ ਆ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਾਲੋ ਜੀਏ ਗੱਭਰੂ ਜਿਉਂ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਾਲੋ ਜੀਏ ਗੱਭਰੂ ਜਿਉਂ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੂਤ ਦੇ ਮੋਛੇ ਵਰਗੀ ਯਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਖਬਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਟੁੱਟਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਚਲੋ
गाइस बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब कि नहीं भाई? इतनी ठंड लग रही है, देख रहे हो मेरी हालत? ऐसे क्यों लग रहा हूँ मैं किसी बैंक में चोरी करने जा रहा हूँ? गाइस अभी भी 5 किलोमीटर पड़ा हुआ है। गाइस हम मंदिर पहुंच गए हैं एंड मंदिर आने से पहले 1 किलोमीटर और लग गया हमें पहुंचने के लिए, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी यहां पे कह रहे हैं। एंड आपको सुबह दिखाऊंगा एंड भगवान की कृपा से हमें रूम भी मिल गया है, नहीं तो 35,000 यहां आदमी है एंड 21,000 के रूम मिल रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब सिस्टम सेट करके रखा है भगवान ने हमारे लिए, रूम में भी रहेंगे एंड अच्छे से भी रहेंगे हम। एंड बोला मेरे से जान ही रहा, बहुत ठंडा यार, यहाँ पे -5 डिग्री है एंड बहुत ज़्यादा बर्फीला सिस्टम यहाँ पे हो रखा है। एंड यहाँ के सारे व्यूज़ आपको मैं सुबह दिखाऊंगा। एंड टिल देन टेक केयर, सी यू गाइस इन द मॉर्निंग।